إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قابل احترام حاضرين جمعة معزز خواتین ملت سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں برکتیں نازل فرمائی جس نے ہم پر اپنے دین اسلام کو مکمل کیا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں مغفرتوں کے پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور جن پر درود و سلام جمعہ کے دن کیے جانے والے افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے صلوات ربی وسلامہ علیہ معزز حاضرین الحمدللہ ہم 1443 ہجری سال میں داخل ہو چکے ہیں یعنی وہ واقعہ وہ عظیم قربانی وہ دلیرانہ اقدام وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر دین کی سربلندی کے لیے اپنی پوری دنیا کو قربان کر کے نکل جانے کا عمل ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً آج 1443-40 پر 3 سال گزر چکے ہیں یہ ایک ایسا عظیم کارنامہ یہ ایک ایسا بہادری والا اقدام تھا
कि जिसकी मिसाल ये दुनिया कभी पेश नहीं कर सकती, कि नंगी तलवारों के सायों में खून के प्यासे इन मुजरिमों काफिरों के शिकंजे से पूरी दिलेरी बहादुरी और हकीमाना अंदाज से अल्लाह के दीन की खातिर अपने सब कुछ को कुर्बान करके निकल जाने की जो मिसाल अल्लाह के नबी ने पेश की है, यकीनन काबिल सताइश इकदाम, काबिल मिसाल कदम है। जब इस्लामी साल की इब्तिदा का मसला पेश आया, मुख्तलिफ राय आई, ये भी एक राय आई कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश को एक इस्लामी साल की इब्तिदा बना लें, उसको एक मरकज बना करके चलें। एक मशवरा यह भी आया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब से नबूवत मिली है उस तारीख से इस्लामी साल की इब्तिदा कर लें, लेकिन अल्लाह को यह मंजूर था कि इस इस्लामी साल की इब्तिदा के लिए एक ऐसे अजीम शान वाकये को मरकज बनाया जाए जो कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए अपने अंदर इबरतें, नसीहतें और अपने अंदर मुख्तलिफ किस्म के सबक रखता हो। यकीनन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो हिजरत है, आपने मक्का से मदीना जो हिजरत की, ये अपने अंदर मुसलमानों के लिए बड़ी इबरतें नसीहतें रखती है। मासूम हाजरीन, इस हिजरत के ताल्लुक से कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा कि इल्ला तंसुरूह फकद नसरहुल्लाह, कह लोगों तुमने अल्लाह के नबी की मदद न की तो न की, अल्लाह ने अपने नबी की मदद की। इद अखरजहु अल्लज़ीना कफरू, जब इन काफिरों ने वहां से उनको निकलने पर मजबूर कर दिया, निकाल दिया, तो पूरे तवक्कुल के साथ, पूरे अल्लाह पर भरोसे के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरी दिलेरी और हकीमाना इकदामात के साथ, पूरी चाको चौबंदी के साथ, हर किस्म की बारीक से बारीक तदबीर को अपनाते हुए जब ये दोनों निकले थे तो उनके साथ तीसरा उनका अल्लाह था जिसने उनकी मदद की। और मौजूद हाजरीन, अगर अल्लाह ताला चाहते तो जैसे अल्लाह ने सातों आसमानों की सैर करवा दी, पलक झपकते मक्का से आप बैतुल मकदस पहुंच गए, रातों रात आप सातों आसमानों की सैर करके अपने बिस्तर वापस लौट गए, वैसे अगर अल्लाह चाहता हवाओं को हुक्म देता, हवाएं उठा करके मक्का से मदीना का आपको पहुंचा देती। लेकिन यह हिजरत का वाकया उम्मत मुस्लिमा के लिए एक सबक बने, एक मिसाल बने, उसवा बने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन खतरों से खेलना पड़ा, अपनी जान को हथेली पर रखना पड़ा, और अल्लाह के नबी ने बड़ी बेहतरीन मिसाल दिलेरी की पेश की। और मौसा हाजरीन, जो सीरत नबी को जानता है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत जिसने पढ़ी है, वो जरा गौर से इस हिजरत के वाकये की इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक इस हिजरत के वाकये को बड़ा गौर से पढ़े तो शुरू से लेकर के आखिर तक अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी हिकमतें रखी हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बारीक प्लानिंग थी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस पोशीदा अंदाज में इस बड़ी हिकमत अमली को अपनाया, और जिस तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक एक कदम इसमें उठाया,
उम्मते मुस्लिमा के लिए इसमें इबरत है, इसमें नसीहत है, इसमें सबक है, इसमें उस्वा है, इसमें कुदवा है कि वो अपनी जिंदगियों को किस अंदाज से लेके चलें, अपने इस्लाम की बका के लिए, दुश्मनों से इस्लाम को बचाने के लिए किस किस्म की चालाकी वाली तदबीरें चाहिए और कितनी बारीकी चाहिए। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल पेश की है। मौसा हाजरीन, अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दे दिया, ख्वाब में अल्लाह के नबी को जगह दिखाई देने लगी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदाजा लगाने लगे, अल्लाह के नबी का अंदाजा किसी और शहर की तरफ जा रहा था, अल्लाह ताला ने मदीने की तयीन कर दी कि आपको मक्का से मदीना जाना है। यहां से हिजरत का हुक्म अल्लाह के नबी को मिला, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत की तैयारी शुरू कर दी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत करना चाहते हैं, अल्लाह के नबी रोक रहे हैं। मौसा हाजरीन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अबू बकर के साथ हिजरत का इरादा भी किया, उनको बताया भी, तो आपने कभी जगह की तयीन न की कि कहां हमें पहुंचना है। और जिस वक्त अल्लाह के नबी को हिजरत का हुक्म मिला, हिजरत की इजाजत मिली, राज को राज रखने के लिए, अपनी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसे वक्त में, जिस वक्त कोई बंदा अपने घर से निकलता नहीं है, ऐन खड़ी धूप के मौके पर अल्लाह के नबी निकल करके अपने घर से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनु के घर पहुंचते हैं ताकि रास्ते में किसी से आमना सामना ना हो, कोई देखे नहीं, और अल्लाह के नबी की पूरी प्लानिंग बिल्कुल पोशीदा और छुपी हुई रहे, किसी को पता ना चले। और आते भी हैं तो किस अंदाज से कि आप अपने चेहरे पर, सिर्फ आंखें खुली हैं, चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए कि कोई देखने वाला पहचान भी ना सके कि ये मोहम्मद हैं। ये इब्तिदा है, इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हकीमाना तदबीरें अपनाई वो हमें सबक देती हैं, हमें सिखाती हैं कि जब तक मुसलमान उम्मत हिकमत के साथ, अकलमंदी के साथ, बारीक बीनी के साथ फैसले न ले, हिकमत भरे फैसले न ले, तब तक वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। न इनफिरादी जिंदगी कामयाब होगी, न उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाई जिंदगी कामयाब हो सकती है। मौसा हाजरीन, ये हिजरत जो हमें सबक देती है, उसमें से एक सबब यह भी है कि बंदा जब कोई काम करना चाहे, कोई कुर्बानी पेश करना चाहे, किसी बुलंद मकाम को पाना चाहे, तो उसके असबाब अपनाना उसके लिए बड़ा जरूरी है। बगैर असबाब अपनाए, बगैर रास्तों को अपनाए, कोई कभी अपनी मंजिल को नहीं पहुंच सकता। और असबाब ऐसे अपनाए कि जो असबाब उसके लिए रुकावट न बने, रास्ते की रुकावटों को खत्म करने वाले असबाब अपनाए। और असबाब के अपनाने के बाद भरोसा अल्लाह की जात पर मुकम्मल रखे, क्योंकि असबाब में तासीर देने वाला, असबाब को उसके नतीजे तक पहुंचाने वाला और असबाब के जरिए इंसान को कामयाब बनाने वाला अल्लाह है, और इन असबाब से तासीर छीनने वाला भी अल्लाह ताला है। मौसा हाजरीन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मकसद बड़ा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इस मकसद के लिए अपनी जान की, अपने माल की, अपने रिश्तेदारों की, अपने वतन की, सबकी कुर्बानी पेश कर दी, जो इन अल्फाज में झलकती है कि जब मक्का से निकल रहे थे, मक्का की सरजमीन को खिताब करते हुए कहते हैं कि ऐ मक्का, तू मेरी सबसे महबूब सरजमीन है, अगर तेरी कौम मुझसे न निकालती तो मैं तुझे कभी न छोड़ के जाता। इस पूरे एहसास के साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करते हैं। और मौसा हाजरीन, वो मुसलमान जो अपनी जिंदगी के मसाइल संजीदगी से नहीं लेते, वो जिम्मेदार जो अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से नहीं लेते हैं, उन तमाम के लिए इस वाकये में एक बड़ी दलील है कि देखो, जब तक मामलात को संजीदगी से नहीं लोगे,
तब तक मामलात कामयाब नहीं होते। संजीदगी से लेना, उसके पीछे जिद्दोजहद करना, कुर्बानियां पेश करना, तभी जाकर के अल्लाह ताला इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। और जो लाउबालियापन इख्तियार करे, जो लाउबालियाना अंदाज में रहे, जो बेपरवाही की जिंदगी गुजारे, वो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। मुअज़्ज़ज़ीन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचते हैं, बिल्कुल ऐन दोपहर के वक्त, जब कोई बंदा सड़कों पे रास्तों में दिखाई ना दे, अपने चेहरे को बांधे हुए, अपने चेहरे को छुपाए हुए पहुंचते हैं, तो कहते हैं अल्लाह के नबी अबू बकर से कि अपने घर में जो भी हैं उनको बाहर कर दो, ताकि राज किसी को ना लगे, ताकि राज किसी को ना लगे। अपने राज की, अपने प्लानिंग की पोशीदगी की ये तंबी, ये मुकम्मल इंतजाम एक मुसलमान को करना चाहिए अपनी जिंदगी में। उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी ने कहा कि जो कोई हो उसे बाहर निकाल दो। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत दे दी, कहा कि अल्लाह ने मुझे इजाजत दी है हिजरत की, हिजरत के लिए निकलना है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को बड़ी फिक्र थी कि मुझे भी साथ लेके चले, मैं भी आपके साथ रहूं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि हां आप मेरे साथ हैं। तो माई आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ने कहती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को खुशी से रोते हुए नहीं देखा था, मैंने अपने बाप को रोते हुए देखा कि अल्लाह के नबी के साथ हिजरत के इस खुशनसीब मौके पर आपकी आंखों से आंसू जारी थे। मुअज़्ज़ज़ीन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हिजरत की बात की तो जगह आपने नहीं बताई, जगह की आपने तायीन न की कि कहां जाना है, बस ये कहा कि हिजरत की इजाजत मिली, हमें यहां से निकलना है, तैयारी कर लें। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने दो बेहतरीन सवारियां तैयार कर ली। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसमें से एक सवारी ली तो पैसों के बदले खरीदी, ऐसे ही आपने कबूल न की, जो इस बात की दलील है कि कोई भी आदमी जितना बड़ा भी क्यों ना हो जाए, वो दूसरों के माल पर नजर न रखे, अपनी मेहनत से कमाए, अपनी मेहनत से ले, अपने पैसों से हासिल करने की कोशिश करे। और मुअज़्ज़ज़ीन, इन दोनों ने मिलकर के उस जमाने में गाइड्स हुआ करते, जो लोगों को रास्ता दिखाते। तो बनू दियल कबीले का एक बेहतरीन शख्स, काबिल एतमाद आदमी, अगरचे के वो मुसलमान न था लेकिन वो अरब था, उसके अंदर ईमानदारी थी, अमानतदारी थी। इन दोनों ने उससे बात की, उसके हवाले दोनों सवारियां कर दी और कहा कि आज से 3 रात बाद आकर के गारे सौर के पास मिलना। गारे सौर के पास उससे वादा किया, एक मुशरिक से आपने वादा किया, जो इस बात की दलील है कि वक्त जरूरत गैर मुसलमानों से, जिन पर एतमाद हो सकता है, बड़े कामों में उनसे मदद ली जा सकती है। और ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अल्लाह ताला इस्लाम के काम बाज गैर मुसलमानों से भी निकाल लेता है। इन्ना अल्लाह लयुअय्यिदु हादद्दीन बिर्रजुलिल फाजिर, अल्लाह ताला फाजिर और फासिक लोगों से भी दीन के काम निकाल लिया करता है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब निकले, आपको जाना था मदीना, मक्का के शिमाल में मदीना पड़ता है, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया, जाना आपको शिमाल है, निकले आप जुनूब की तरफ। आपने बिल्कुल उसके अपोजिट वाली जहत इख्तियार की, जुनूब की तरफ निकले, काफी दूर जाकर के वहां पर एक ऐसे पहाड़ पर, जो बड़ा ही मुश्किल पहाड़ था, पत्थरों भरा पहाड़ जिस पर चढ़ना बड़ी मुश्किल, जाकर के आपने गारे सौर में पनाह ली। और मुअज़्ज़ज़ीन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम में नबूवत से पहले जिन लकबों से जाने गए, पहचाने गए, उनमें से एक अमानतदार आपका लकब था, अमीन जाने जाते थे। आपके पास लोगों की अमानतें थी। जब कोई भगोड़ा भागता है, लोगों का माल लेकर के भागता है, लोगों का माल डुबो करके भागता है, उन लोगों के लिए अल्लाह के नबी की इस अमल में दलील है कि वतन छोड़ के जा रहे हैं,
सब कुछ कुर्बान करके जा रहे हैं, अपनी जान हथेली पे लेकर के जा रहे हैं, लेकिन अमानतदारी का पूरा पूरा आपको ख्याल है, अपनी जगह पर दूसरे को सुलाया, अमानतदारियां उसके हवाले की और कहा कि मेरे चले जाने के बाद तमाम हकदारों को उनकी अमानतें लौटाना और उसके बाद आकर के मुझसे मिलना। यह अमानतदारी की मिसाल नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत के मौके पर हम मुसलमानों को पेश की कि चाहे जैसे मुश्किल हालात क्यों ना हो, दुश्मन का माल क्यों ना हो, बंदा किसी और के माल पर ना कब्जा ना करे, उनके माल उनको वापस लौटा दे। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की हिजरत के वाकयात में मिलने वाले सबकों में से एक बड़ा बेहतरीन सबक है। और मौसा हाजरीन, नबी करीम अलैहिस्सलाम जब निकले तो रात के वक्त में निकले, रात के वक्त में आप निकले, जाकर के गारे सौर में पनाह ली। मुशरिकीन मक्का अल्लाह के नबी की तलाश में हैं, रात भर अल्लाह के नबी के घर का पहरा दिया जा रहा है कि अल्लाह के नबी यहां से निकलकर बाहर ना जाने पाए। अल्लाह के नबी ने पूरी दिलेरी के साथ अल्लाह का अल्लाह पर भरोसा करते हुए अल्लाह का नाम लेकर के घर से निकले। वहां जाकर के बड़े इत्मीनान से गारे सौर पहुंच गए, किसी दुश्मन की निगाह आप पे ना पड़ पाई, अल्लाह ने पूरे तौर पर आपकी हिफाजत कर ली। और मौसा हाजरीन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न तरतीब और आपकी बारीक प्लानिंग देखें कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घराने का आपने पूरा इस्तेमाल किया। इस घराने के कई लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत में आपके साथ शामिल थे। मिसाल के तौर पर जबे जाकर के गार में रुक गए अब्दुल्लाह इब्ने अबी बकर, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, वो दिन भर मक्का में रहते, मक्के वालों के साथ रहते, उनके मशवरों को सुनते, उनकी प्लानिंग को सुनते, उनके मकर फरेब सुनते, और जैसे ही अंधेरा होता अल्लाह के नबी के पास गारे सौर चले जाते, अपने वालिद अबू बकर और अल्लाह के नबी के पास जाते, जाकर के दिन भर की खबर उनको सुनाते, दिन भर की खबर उनको सुनाते। जिस जमाने में, जिस वक्त में हर कोई अल्लाह के नबी के खून का प्यासा हो, ऐसे हालात में पूरी दिलेरी के साथ, पूरी बहादुरी के साथ उन तक जाना और उनसे वापस लौट करके अपने घर आना, ऐसे ऐसे बहादुरी की मिसालें बड़ी कम मिलती हैं। और अल्लाह के नबी की हुस्न तदबीर यह है कि जब वो चले जाते, रात पहुंच जाते, तो उसके बाद वहां से आमिर इब्ने फुहैरा जो बकरियां चराने वाले थे, वो बकरियों को लेकर के उनके कदमों के निशानों को मिटाते हुए मक्का पहुंच जाते। और ये मक्का की कौम बड़ी चालाक कौम थी, कदमों के निशान से पहचान लेती कि कौन शख्स यहां से गुजरा, कितनी दूर तक पहुंचा, कब गया। ये बड़ी शनासा कौम थी, बड़ी तजर्बेकार कौम थी। ये आमिर इब्ने फुहैरा बकरियों के कदमों के जरिए अब्दुल्लाह इब्ने बकर के कदमों को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया करते थे, अब कोई कदम के निशान बाकी न रहते। बल्कि आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब उस गारे सौर की तरफ पहुंच रहे थे, अल्लाह के नबी ने अपने पैरों से चप्पल निकाल लिए, आप ऐसे ही बगैर चप्पल के चल रहे थे। बड़ी सख्ती पहाड़ी थी, पत्थर थे, बड़ा सख्त था उस पहाड़ पे चढ़ना, लेकिन अल्लाह के नबी अपने कदमों के बल पैर उठा करके चल रहे थे ताकि कदमों के निशान जमीन पे न पड़े, कोई पहचानने ना पाए। और अब्दुल्लाह इब्ने अबी बकर अल्लाह के नबी के यहां रात गुजारते, उन्हें खिलाते पिलाते और सुबह होने से पहले वापस लौट जाते और अपने घर पर ऐसे सुबह करते जैसे रात भर घर ही पर सो करके उठे हों, घर ही पर सो करके उठे हों, ऐसे सुबह करते। और आमिर इब्ने फुहैरा फौरी जैसे ही पहुंच जाते, अपनी बकरियां लेकर के उनके कदमों को मिटाते हुए दोबारा पहाड़ की तरफ चले जाते। तीन दिन का यह अमल रहा। आमिर इब्ने फुहैरा, अब्दुल्लाह इब्ने अबी बकर, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए खबरगीरी का, खबर रसानी का काम करते थे। और आमिर इब्ने फुहैरा जाकर के उन्हें बकरियों का दूध पिलाते और उनके कदमों के निशान मिटाते। इस तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुस्न तदबीर से अपनी इस हिजरत को कामयाब बनाया। और अब्दुल्लाह इब्ने उरैकीब जिनसे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बात की थी कि आप मदीने तक हमारी रहनुमाई करोगे, मक्के से मदीने का रास्ता एक आम सा रास्ता था जहां से हर कोई जाता, और अल्लाह के नबी को पता है
कि कुफार कुरैश अल्लाह के नबी की तलाश में हर रास्ते में निकलेंगे, मदीना भी निकलेंगे, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो रास्ता अपनाया, हिजरत का रास्ता, जो मदीने के रास्ते से बिल्कुल जुदा गाना, बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की हुस्न तदबीर थी, जिसकी मैंने कुछ झलकियां आपके सामने पेश की कि देखो अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हो, अल्लाह के दीन की सरबलंदी चाहते हो, उम्मत को कामयाबी की तरफ ले जाना चाहते हो, हुस्न तदबीर एक बहुत बड़ी चीज है, बारीक प्लानिंग एक बहुत बड़ी चीज है। हिजरत हमें सबक देती है, दर्स देती है कि अपने मामलात को अच्छे अंदाज से, बेहतर अंदाज से तरतीब किया जाए ताकि उसके नतीजे तक बंदा बड़ी आसानी से पहुंच सके। और मौसा हाजरीन, इसी मौके पर अस्मा रजी अल्लाह अनहा जातुलनिताकैन के नाम से मशहूर हुई। जब अल्लाह के नबी का तोशा बांधने लगी, कोई चादर न थी, कोई धागा न था कि जिससे बांध सकें, अपना दुपट्टा निकाला, दो टुकड़े किए और उसके एक टुकड़े से आपका तोशा बांध दिया, इसी से उज़ातुन्निताकैन के नाम से मशहूर हो गई। दो दुपट्टे वाली औरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घराने की बड़ी कुर्बानियां नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हिजरत में शामिल हैं। तो मौसा हाज़रीन, इतने अजीम वाकये को अल्लाह तआला ने, बल्कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी हिकमत से इस वाकये को हिजरी साल की इब्तिदा बनाया, हिजरी साल की इब्तिदा बनाया। यहीं से जाकर के इस्लामी तारीख शुरू होती है, हिजरत में जो कुर्बानियां पेश की गई, जिसके बाद अल्लाह ने इस्लाम को सरबलंद किया, ऐसी कुर्बानियां कोई पेश कर सकता है तो उसका शख्सी इस्लाम हो, उस कौम का इस्लाम हो, बुलंद हो सकता है। और जब तक ये कुर्बानियां पेश न की जाए, बंदे को बुलंद मकामात हासिल नहीं होते, ऊंचाइयां हासिल नहीं होती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस हिजरत के अजीम वाकये को हमें समझने, इससे इबरत लेने और इसको अपना खुदवा बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अकूलु कौली हादा व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़म्बिन फस्तगफिरूह इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد। معزز حاضرین, अभी मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की हिजरत से मुतालिक जो आपके हकीमाना कदम और आपके हकीमाना इकदामात थे, उनमें से कुछ का मैंने तज़किरा किया। इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी बड़ी कुर्बानी के लिए इंसान अच्छी से अच्छी तदबीर करे, तभी जाकर के वो कामयाब होता है। अंधे होकर के अल्लाह पे भरोसा करके बैठ जाएं, अल्लाह पर मामला तर्क कर दें, कोई तदबीर ना करें, कोई सबब इख्तियार ना करें, यह बड़ी बेवकूफ़ी है, ये गैर ईमानी अमल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम तदबीरें अपनाई, लेकिन भरोसा आपको इन तदबीरों पर नहीं था, भरोसा आपको अल्लाह ताला पर था, जो हमें इस बात का दर्स देता है कि कोई भी सबब आप अपनाएं, कोई भी एहतियात आप ले लें, कोई भी प्रिकॉशन आप ले लें, इन तमाम में अगर कोई चीज हकीकत में मुअस्सिर है, असर करने वाली है, तो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की जात, अल्लाह का फैसला है। इसी हिजरत की दो मिसालें देकर के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, ये दोनों गारे सौर में छुपे हैं। कुफारे कुरैश आप लोगों को तलाश करते करते उस पहाड़ पर पहुंच गए जिस पहाड़ पे गारे सौर है, जबले सौर पे पहुंच गए। बल्कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने बयान करते हैं, रिवायात में आता है कि उनके कदमों की आवाज तक इन दोनों को सुनाई देने लगी, इतना करीब तक वो पहुंच गए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए कि कहीं हम पकड़े ना जाए, लेकिन भरोसा अल्लाह ताला पर कवी था, अपने इस खौफ का, अपने इस डर का इजहार अल्लाह के नबी के सामने किया कि कहीं हमको देख ना लें, कहीं नजर नीचे पड़ जाए तो हमको ना देख लें,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने असबाब के अपनाने के बावजूद अल्लाह पर भरोसे के लिए जो कलिमा कहा, कहा कि मा ज़न्नुक बिस्नैन अल्लाह सालिसुहुमा, कि अबू बकर उन दो के ताल्लुक से तुम्हें खौफ करने की जरूरत क्या है जिसका तीसरा अल्लाह ताला हो। इतना तवक्कुल, इतना भरोसा अल्लाह की जात पर, चाहे हजार असबाब अपना ले, भरोसा अल्लाह की जात पे होता है, भरोसा अल्लाह की जात पे होता है। कामिल ईमान वाले अपने तमाम आमाल में तमाम असबाब के अपनाने के बाद अल्लाह पर भरोसा करते हैं, और अल्लाह ताला ने हिफाजत कर ली। कुफार वहां से वापस लौट गए और दोनों महफूज अपनी जगह पर बैठे रहे। ऐसा एक और वाकया पेश आया कि अल्लाह के नबी हिजरत के लिए निकल पड़े तो एक काफिर अल्लाह के नबी के पीछे आ गया और कहते हैं कि अल्लाह के नबी को अबू बकर को पकड़ने के लिए इतना करीब पहुंचा, वो बयान करता है कि अल्लाह के नबी के तिलावत करने की आवाज मेरे कानों में पड़ रही है। अबू बकर परेशान है कि कहीं वो आकर हमको पकड़ ना ले, कुफारे कुरैश को इतला ना दे दे, कहीं हम पकड़े ना जाएं। और अल्लाह के नबी पूरे सुकून इत्मीनान के साथ अपने राह पर चल रहे हैं, मदीने की तरफ रवा दवा है, आपको गोया फिक्र ही नहीं है। अल्लाह से आपने दुआ की, अल्लाह ताला ने उसके घोड़े को उसके पैरों के घुटनों तक उस रेगिस्तान में धंसा दिया। ये वो ईमान और तवक्कुल था अल्लाह ताला पर कि दुश्मन खरीद तक भी पहुंच जाए। भरोसा अल्लाह पर हो, भरोसा अल्लाह पर हो, यकीन अल्लाह पर हो कि उसके हुक्म पे निकले हैं, उसके दीन के लिए निकले हैं, उसकी इजाजत से निकले हैं, वही हिफाजत करने वाला है, वही मंजिलों तक पहुंचाने वाला है। एक से दो तीन मरतबा अल्लाह के नबी ने दुआ की, उसके पैर फंसते गए, उसके पैर धंसते गए, यहां तक कि उसने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी दुआ कीजिए मेरे इस सवारी के कदम यहां से निकल जाए, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि इसी जगह ठहरना और जो जो मुझे तलाश करते हुए आए उसे वापस लौटा देना। जो आपको पकड़ने के लिए निकला वो आपका मुहाफिज अल्लाह ने उसे बना दिया। ये अल्लाह पर भरोसे की मिसाल है। तो मोहतरम हाजरीन, ये हिजरत अपने अंदर बड़ी मिसालें, बड़ी इबरतें, बड़े सबक, बड़ी नसीहतें रखती है, इसे गौर से पढ़ने की। और इसको जो अल्लाह ताला ने बल्कि सुनन कौनिया के तौर पर इसको इस्लामी साल की इब्तिदा का एक अमल जो करार दे दिया गया, अपने अंदर बड़ी हिकमतें रखता है। इसको जरा गौर से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। अल्लाह ने अक्ल दी है, गौर व फिक्र करें, इसमें बड़ी नसीहतें मिलती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने इस दीन इस्लाम और सीरत नबवी को अच्छे अंदाज से पढ़ने, उससे इबरतें और सबक लेने की तौफीक नसीब फरमाए, और जब तक हमें जिंदा रखे नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का, अल्लाह के नबी की जिंदगी के अमल का पाबंद बनाकर जिंदा रखे, और जब मौत दे तो अल्लाह ताला हमारा खातिमा बिलखैर फरमाए और सुए खातिमा से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना वअख्तअना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.